अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं जब भी आपको भूख लगे, या आप बच्चों को टिफ़िन में भी इसको सुबह में बना के दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम अपने इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी कटोरी, उसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, एक छोटा टमाटर कटा हुआ, और तकरीबन 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरी धनिया, और मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी में कलर अच्छा आए इसलिए डाल रही हूँ, वरना अगर आप चाहें तो ना डालें। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है तो मैं इसमें डालूंगी तकरीबन एक छोटी कटोरी आटा, उसके बाद इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पतला मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो अभी देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है पानी ऐड करके, इतना पतला मैंने रखा है, इतना ही पतला रखिएगा क्योंकि तब ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब बैटर मेरा बन चुका है, अब इसको हमें फ्राई करना है। तो पैन मैंने गरम होने को रख दिया है, अब मेरे पैन गरम हो चुका है तो मैंने उस पर लगाया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। फ्लेम मैं मीडियम ही रखूँगी, आप अपने हिसाब से फ्लेम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इस पर डालूँगी थोड़ा सा बैटर, उसके बाद इसको इस तरह से फैला लूँगी। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। जब भी आपको भूख लगे आप तुरंत ही इसको बना के खा सकते हैं। इसको डालने के बाद तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ा देर वेट करना है। जब ये बैटर इस तरह से ऊपर से सूखा सूखा दिखने लगेगा तभी हमें इसको पलटना है बहुत ध्यान से। अगर गीला रहने पे ही आप इसको पलट देंगे तो ये टूट भी सकता है। तो इसी तरीके से पलट पलट के हमें इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। तो अभी देखिए मैंने इसको पलट पलट के सेक लिया है दोनों तरफ से, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसका, ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन भी हो गया है। तो अब इसी तरीके से हम सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। तो आटे का चीला बनके मेरा तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर ना पसंद आई हो मेरी ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये भी कि आपको क्या नहीं पसंद आया। जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।